नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज से 12 दिनों तक बिहार पुलिस की सभी छुट्टियों पर रहेगी रोक। पटना में आपके घर तक पहुंचेगा गंगा का पवित्र जल। आज 5 बजे थम जाएगा छठे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। कैंसर मरीजों की पहचान के लिए 16 जिलों में चल रही है स्क्रीनिंग। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में फिर हुई भारी बढ़ोतरी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज से 12 दिनों तक बिहार पुलिस की सभी छुट्टियों पर रहेगी रोक। दिवाली के साथ ही बिहारी लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा अब बेहद नजदीक है। ये ऐसे त्योहार हैं जब दूर सुदूर राज्यों और देशों से बिहार के स्थायी निवासी वापस अपने घर बिहार आते हैं। ऐसे में सूबे में इन दिनों ट्रेनों बसों से लेकर सड़कों बाजारों तक भीड़ भाड़ बनी रहती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई है और इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने आज से लेकर 12 नवंबर तक किसी भी स्तर के अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। त्योहारों के दौरान कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए मुख्यालय ने बड़ी संख्या में पुलिस बल होने को जरूरी बताया है, इसलिए अगले 12 दिनों तक सूबे के पुलिस छुट्टी पर नहीं रहेंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की मंजूरी के बाद ही छुट्टी मिल सकती है। कैंसर मरीजों की पहचान के लिए 16 जिलों में चल रही है स्क्रीनिंग। बिहार में कैंसर के मरीजों की स्क्रीनिंग चल रही है और ऐसे मरीजों की पहचान करके उनका मुफ्त में इलाज भी किए जाने की व्यवस्था है। ये जानकारी बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार में कैंसर को लेकर जागरूकता और मरीजों की पहचान हेतु NPCDCS कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो फिलहाल 16 जिलों सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में संचालित हो रहा है। इसके तहत इन जिलों में कैंसर को लेकर जागरूकता और मरीजों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग हो रही है। जिन मरीजों की पहचान हो जाती है उनका इलाज मुफ्त में सरकारी खर्च पर करवाया जाता है। इसके तहत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सौजन्य से मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलाज होता है। हालांकि जांच की व्यवस्था सभी जिले में की गई है। साथ ही मंत्री ने बताया कि अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक में 1251 कैंप लगाकर शुरुआती लक्षण का पता लगाने का प्रयास किया गया, जिनमें से 2783 मरीज मिले। सूबे में सप्ताह भर में 12 डिग्री तक गिर सकता है रात का तापमान। नवंबर का महीना शुरू होते ही रात के तापमान में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई है और यही कारण है कि अब रात में लोगों को अधिक ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने भी यह संभावना जताई कि सप्ताह भर में बिहार में रात के तापमान में लगातार गिरावट आने लगेगी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पहाड़ों पर लगातार होने वाले बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में बिहार के सभी हिस्से में दिन और रात में सर्द का एहसास होगा। इस दौरान रात न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि दिन में धूप निकलने के साथ तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी और अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री तक जा सकता है। वहीं आज की बात करें तो आज पटना में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री होने का अनुमान है। पटना में आपके घर तक पहुंचेगा गंगा का पवित्र जल। राजधानी पटना में रहने वाले वैसे लोग जो इस त्योहारी मौसम में गंगा घाट पर छठ पूजा मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गंगा घाट अब खुद आपके घर के पास पहुंचने वाला है। दरअसल गंगा घाट पर अधिक जलस्तर होने और खतरनाक घाटों पर तैयारी पूरी न होने की वजह से प्रशासन अब घर घर गंगा जल पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके तहत पटना में 45 टैंकर लगाए जाएंगे, जिससे घरों में गंगा जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए वार्डों रूट चार्ट बनाया जा रहा है। इस बारे में पटना नगर आयुक्त का कहना है कि कोरोना और बाढ़ के कारण इस बार घाटों की तैयारी का काम देर से शुरू हुआ है, जिस कारण सभी वार्डों में पक्के घाट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पार्क और जू में भी घाट बनाए जा रहे हैं, जहां पर 45 टैंकरों की मदद से गंगा नदी का पानी नहाई खाई के दिन मुहैया कराया जाएगा। नवंबर महीने के पहले जनता दरबार में अलग अलग जिलों से पहुंचे फरियादी। राज्य में आज नवंबर के पहले सोमवार को लेकर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम पूर्व की भांति ही सुबह 10 बजे के बाद आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से अपनी शिकायतों को लेकर फरियादी पहुंचे, जिनकी शिकायतों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुना और साथ ही निदान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आज के जनता दरबार में सीएम के सामने गृह, पुलिस, सामान्य प्रशासन, जमीन व अन्य विभाग से जुड़े कई शिकायतें आए, तो वहीं पिता की अनुकंपा पर नौकरी न देने की शिकायत लेकर बेतिया के एक युवक ने भी गुहार लगाई। इस बारे में पुलिस विभाग ने कहा कि उसके दो दो भाई के नौकरी में होने के कारण उसे अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन सीएम ने डीजीपी को फोन करके इससे जुड़ी तकनीकी बाधा दूर करने को कहा।
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में फिर हुई भारी बढ़ोतरी। गैस कंपनी की तरफ से एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे दिवाली से पहले रेस्टोरेंट मालिकों को भारी झटका पहुंचा है। इसके तहत 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 270.50 रूपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद आज से इनके दाम 1,942.50 रूपए से बढ़कर 2,213 रूपए हो गए हैं। दूसरी तरफ 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर की कीमत आज से 50 पैसे और बढ़ गई, जिसके बाद आज से इसे 703 रूपए में खरीदा जा सकेगा। हालांकि 5 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर के दाम यथावत ही रखे गए हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि सरकारी तेल और गैस कंपनी के द्वारा नवंबर महीने में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसकी कीमत 998 रूपए ही निर्धारित है। बिहार पंचायत चुनाव में भी दिख रही है स्टार प्रचारकों की मौजूदगी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनमें पहले तो ईवीएम का प्रयोग बड़े बदलाव के तौर पर दिखा, तो दूसरी तरफ नए युवा मुखिया के जीतने का ट्रेंड भी इस चुनाव में दिखा। तो वहीं स्टार प्रचारकों की भूमिका भी पंचायत चुनाव में खास तौर पर दिख रही है, जिसके तहत कई भोजपुरी सितारे और सिंगर इन दिनों प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह वैशाली के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत की के लिए वोट अपील करती नजर आई, तो वहीं अब भोजपुरी सिंगर देवी भी अपने मित्र के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आई, जिसके तहत वे खुद कटिहार के बरारी प्रखंड पूर्वी बारी नगर पंचायत में चुनाव प्रचार करने खुद पहुंची। उनके आने के आस पास के कई गांव के लोग उनके एक झलक को पाने के उत्सुक दिखे। सूबे के प्राइवेट स्कूल भी आएंगे आरटीई के दायरे में। बिहार के प्राइवेट विद्यालयों को भी आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत 25% गरीब परिवार के बच्चे का नामांकन इस कानूनी अधिकार के तहत सभी स्कूलों में हो सकेगा। इसके तहत सबसे पहले शिक्षा विभाग की तरफ से सभी निजी स्कूलों को विभाग के दायरे में लाने की बात की जा रही है, जिसके तहत निजी विद्यालयों को 30 नवंबर तक शिक्षा विभाग के पोर्टल ई संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का वक्त दिया गया है। इस प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग रजिस्टर्ड स्कूलों का वेरिफिकेशन करेगा, जिसके बाद इन सभी स्कूलों को एक खास कोड दिए जाएंगे और फिर वहां आरटीई के प्रावधान लागू किए जाएंगे। अनुमानतः बिहार में 10,000 से ज्यादा निजी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन विभाग के पास इन सभी स्कूलों का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। आज 5 बजे थम जाएगा छठे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। बिहार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है, तो वहीं मतगणना 13 और 14 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में 94,188 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किया गया है, साथ ही विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस चरण में भी महिला प्रत्याशियों की संख्या पुरुष प्रत्याशियों से अधिक है। 43,840 पुरुष प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो वहीं 50,348 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब आइए जानते हैं बिहार में पेट्रोल डीजल के ताजा दाम। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा एक बार फिर से तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। रविवार को पटना में पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 3 पैसा और 7 पैसा की वृद्धि हुई, जिसके बाद आज पटना में पेट्रोल 113.10 रूपए प्रति लीटर और डीजल 104.71 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 114.52 रूपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 106.02 रूपए लीटर है। गया में पेट्रोल की कीमत 114.50 रूपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 106.03 रूपए प्रति लीटर है, तो वहीं दरभंगा में पेट्रोल की कीमत 113.76 रूपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 105.31 रूपए प्रति लीटर है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले में पेट्रोल और डीजल क्रमशः 113.86 रूपए प्रति लीटर और 105.41 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है। बिहार में 2 IAS अफसर संभालेंगे नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बीते दिन अधिसूचना जारी करके 2 IAS अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसके तहत 2012 बैच के IAS अधिकारी और सहकारिता विभाग के सहयोग समिति के निबंधक राजेश मीना को सारण जिले की कमान सौंपी गई है। इसके तहत राजेश मीना सारण जिले के DM के रूप में कार्य करेंगे, तो वहीं इस पद पर पहले से तैनात नीलेश रामचंद्र को सारण DM के पद से विरमित कर आप्त सचिव बनाया गया है, जिसके तहत अब वे केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के आप्त सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। बताते चले कि पंचायत
पंचायत चुनाव के दौरान विगत दिनों भी बिहार के प्रशासनिक महकमे में कई फेरबदल किए गए हैं। तो वहीं राज्य में अभी सवा महीने तक और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां रहने वाली है, तो ऐसे में आगे भी प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना बनी हो सकती है। जमीन से जुड़े कई मामले सुनने के बाद सीएम ने मंत्री को किया तलब। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम जब से शुरू हुआ तब से जमीन से जुड़े अलग अलग तरीके के सैकड़ों मामले सामने आए। आज भी जनता दरबार में सबसे ज्यादा शिकायत अंचलाधिकारियों से जुड़े आए, जिससे सरकार की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परेशान होकर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामस्वरूप राय को तुरंत तलब किया। मुख्यमंत्री ने तल्ख लहजे में उनसे कहा कि आपके यहां से बहुत मामला है, जरा सुना कीजिए, जिसके बाद मंत्री रामस्वरूप राय ने भी हाथ जोड़े सीएम की बात को सुनते नजर आए। तो वहीं उन्होंने इस पर ध्यान देने की बात कहकर वापस अपनी सीट पर चले गए। कैमूर जिले में पदस्थापित देश के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही की ट्रेन से कटकर गई जान। बिहार के कैमूर जिले के एसपी के बॉडीगार्ड के पद पर तैनात रहे देश के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही रचित राज की ट्रेन से कटकर जान चले जाने की खबर है। हाल ही में बिहार सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद सितंबर 2021 में ही रचित राज देश के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बने थे, लेकिन किस्मत ने ज्यादा दिन इनका साथ नहीं दिया और आज भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान रचित और उसके एक साथी परिजन की जान ट्रेन से कटकर हो गई। यह घटना सुबह के 9:30 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच के लिए मोहनिया डीएसपी जीआरपी और आरपीएफ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर लगाए 76 घोटाले करने के आरोप। सूबे में 2 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद कल रिजल्ट आने की बारी है। रिजल्ट से पहले ही सभी पार्टियों के बीच गहमागहमी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और लिखा कि नीतीश सरकार में 76 घोटाले हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार की सरकार ने SC ST वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपया गायब कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में CAG का हवाला देते हुए यह भी लिखा है कि अलग अलग विभागों में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक की गड़बड़ी पाई गई है। टीम इंडिया की हार के बाद IPL बैन करने की उठ रही है मांग। बीते दिन T20 विश्व कप 2021 के सुपर 12 में ग्रुप 2 के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की लगातार दूसरी एकतरफा हार के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। टीम की आलोचनाओं के अलावे IPL को बैन करने की मांग उठ रही है। एक यूजर ने लिखा कि भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मैच सिर्फ 8 विकेट से हारे, विराट बाबा एक और गेंदबाजी के लिए तैयार रहना। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि IPL और मीडिया से हर साल वे काफी पैसा बनाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उनके लिए कुछ नहीं है। वही एक अन्य यूजर ने लिखा कि IPL को बैन करो, यह क्रिकेट नहीं है, ये किसी मूवी की तरह है, सिर्फ मनोरंजन। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारतीय टीम की दूसरी हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।